हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। इस सीरीज़ में हम लगातार एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कैसे डेवलप होता है, उसकी सारी प्री कमिश्निंग और कमिश्निंग एक्टिविटीज़ को लेकर के हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ करके अभी लास्ट वीडियो तक मैंने आपके इंटीग्रिटी टेस्टिंग, जिसमें कि हायो टेस्टिंग और न्यूमेटिक टेस्टिंग तक मैंने बात की थी। पहले वीडियोज़ को अगर मैं शॉर्टकट में बताऊँ तो हमने स्टार्ट किया था कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंसेज हैं। उसके बाद हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब हम प्री कमिश्निंग या कमिश्निंग के अंदर जा रहे हैं, उस समय हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद बेसिक स्टेप्स की, सबसे पहले अंडरग्राउंड कमिश्निंग, प्री कमिश्निंग, उसके बाद इरेक्शन पार्ट जिसमें कि सिविल पाइपलाइन, स्टैटिक इक्विपमेंट्स और रोड इक्विपमेंट्स का इरेक्शन होता है। उसके बाद हम लूप चेकिंग में जाते हैं, जहाँ पर कि हम चेक करते हैं कि जो भी हमारे पाइपलाइंस इरेक्ट हुई है या इक्विपमेंट्स लगे हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही हैं, जैसा कि हमारे पास पीआई, पीएनआईडीज और आइसोमेट्रिक्स में डिज़ाइंड है, क्या उसी तरीके से फील्ड में भी उसका रेप्लिका है। सो दोज आर चेक। वो सब चेक करने के बाद फिर मैकेनिकल क्लियरेंसेज आते हैं, जैसे मैकेनिकल अपनी साइड से हर एक चीज़ को वेरीफाई करता है, जितने भी इरेक्शंस हुए हैं क्या वो मैकेनिकली ओके हैं। उसके बाद हम आते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि जो भी इरेक्शंस हो गए हैं क्या उनका स्ट्रेंथ इज़ ओके एज़ पर उसके अंदर जो भी सर्विस लाइंस है उसका टोटल प्रेशर जिस पे कि वो ऑपरेट करने वाले हैं, तो वो प्रेशर पे वो सच में ऑपरेट कर पाएंगे। तो हम उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसकी इंटीग्रिटी चेक करते हैं, उसके अंदर सारे सपोर्ट्स एवरीथिंग इज ओके, तो हम उसके अंदर उसके हाइड्रोलिक टेस्टिंग और न्यूमेटिक टेस्टिंग ये दोनों करते हैं। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है वो फ्लशिंग और क्लीनिंग की, मीन्स जब सारा रिएक्शन पार्ट हमारा ओके है, ऑल हैज़ बीन चेक्ड, उसके बाद हम आते हैं वापस से फ्लशिंग एक्टिविटीज़ पर। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही और भी कंटेंट आप तक लेके आता रहूं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है मेरे वीडियोस रिलेटेड, जो मैंने किसी वजह से अगर मैं क्विट कर गया हूँ या मैंने छोड़ दिया है वीडियो की लेंथ की वजह से ज़्यादा ना हो, तो प्लीज़ वो सवाल इनबॉक्स कीजिए या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवालों के लिए स्पेशल से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी सवाल मेरे पास आएंगे मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और मैं वहाँ से कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी टॉपिक्स आते हैं मैं उन पर एक एक करके वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्लशिंग एंड क्लीनिंग एक्टिविटीज़। फ्लशिंग एंड क्लीनिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो जो एक्टिविटीज़ आती हैं उसमें है एयर ब्लोइंग, स्टीम ब्लोइंग, कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग, वाटर फ्लशिंग, सर्विस फ्लशिंग, रोटमर क्लीनिंग, केमिकल क्लीनिंग, लास्ट टर्म में आता है क्लीनिंग। ये जितने भी पॉइंट्स मैं लिखे हैं जो कि हमारे फ्लशिंग में या क्लियरिंग में एक्टिविटीज होती हैं, हमने एक एक करके देखा है, लेकिन सारी एक्टिविटीज हर किसी पाइपलाइन में नहीं हो सकती हैं। हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया है कि कहाँ पे हम एयर ब्लोइंग कर सकते हैं, कहाँ स्टीम ब्लोइंग करेंगे, कहाँ पे कार्बो ब्लास्टिंग करेंगे, कि हर जगह कार्बो ब्लास्टिंग नहीं होगा, हर जगह स्टीम ब्लोइंग नहीं होगा, हर जगह सर्विस फ्लशिंग नहीं कर सकते हैं, हर जगह रोटोमर क्लीनिंग नहीं होती है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि हम कहाँ पे किस किस चीज़ को, कौन कौन से एक्टिविटी को किस किस लाइन पे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, किस पे हम लेकर के हम कोई भी चीज़ फ्लशिंग एक्टिविटी करते हैं। सो मैं एक एक करके लेता जाता हूँ। पहले मैं एक लूप बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एयर ब्लोइंग अगर हम कर रहे हैं तो उस लूप के हिसाब से हम कैसे कैसे कोई भी चीज़ क्लियरिंग करते हैं।
मान लेते हैं कि ये एक रॉ मटेरियल की लाइन है जो कि आपके प्लांट के अंदर आ रही है, तो एक एस्पिरेशन वॉल होगा आपके प्लांट में आने से पहले और एक आपके प्लांट में घुसने के बाद। सो ये जो पॉइंट होता है जिसमें से वो आपके प्लांट के अंदर घुसता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं बैटरी लिमिट। तो बैटरी लिमिट के बाहर का जो पॉइंट है वो होता है ओएस गियर, आउटसाइड बैटरी लिमिट, और इनसाइड जो रहेगा वो आईएस गियर। हम जितनी बातें कर रहे हैं वो हम आईएस गियर के अंदर की बात कर रहे हैं, प्लांट के अंदर जो भी कुछ आ रहा है। सो एक आइसोलेशन वॉल रहेगा, उसके आइसोलेशन वॉल, उसके बाद मैंने एक एलपीडी बनाया, लो पॉइंट ड्रेन, एक एनआर भी है, एक कंट्रोल वॉल है, उसके आइसोलेशन वॉल से उसमें एक ड्रेन पॉइंट है, एक बाईपास है जिसके अंदर एक हाई पॉइंट वेंट है आपका, इधर आपके पास एक हीट एक्सचेंजर है जिसका कि आपके पास बाईपास है, उसमें आपके पास एक वेंट है, इसका एक सक्शन में और डिस्चार्ज में दोनों में एक ड्रेन पॉइंट है, उसके बाद आपके पंप के सक्शन में ड्रेन पॉइंट है, उसका सक्शन, उसका जो आइसोलेशन वॉल, सक्शन वॉल और ये डिस्चार्ज वॉल, और इसका डिस्चार्ज आता है आपके किसी रिएक्टर के अंदर। सो ये पूरा है, मेरे पास एक पूरा लूप है जिसको मुझे एयर ब्लोइंग करना है। तो जब ये हम एयर ब्लोइंग करते हैं उसके सबसे पहले हमारे पास ये डिसाइड होना चाहिए हम कितने बड़े लूप को या किस किस लूप को हम एक साथ एयर ब्लो कर रहे हैं। हम कितने बड़े लूप को ले सकते हैं, लेकिन हम जितना ज़्यादा लेंगे हमें उतना मतलब उतनी जगह पर ऑपरेट करना पड़ेगा कि ये लाइन हमारी किसी भी तरीके से पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो मान लेते हैं कि हम इतने पूरे लूप को ले रहे हैं, इस पूरे लूप को ले रहा हूँ रिएक्टर को छोड़ करके, रिएक्टर बीच में नहीं आ रहा है, रिएक्टर को मैंने काट दिया, तो यहाँ पे कोई ब्रेक फ्लैंज होगा, ये फ्लैंज होगा, तो ये पॉइंट हम इसको रिएक्टर को अलग कर लेंगे। और अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट हमारा सिंपली ब्लाइंडेड रहेगा, मीन सिंपल चार बोल्ट पे कस के ब्लाइंडेड रहेगा, और ये बाकी मुझे यहाँ से लेकर के हम इस पूरे को एयर ब्लोइंग करने वाले हैं। सो एयर ब्लोइंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट होगा, जैसे कोई भी एलपीडी है, यहाँ से हम प्लांट एयर, मान लीजिए प्लांट एयर से फ्लशिंग कर रहे हैं, तो एयर प्लांट एयर का यहाँ पे आपके पास एक जुगाड़ लगा लेंगे, एक और इस जुगाड़ के पहले यहाँ पे आपके पास जुगाड़ में आपके पास एक आइसोलेशन वॉल वहाँ पे भी होगा, फिर वहाँ से कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपके पास इस एंड पे जहाँ से कि हम प्लांट एयर ले रहे हैं वहाँ पे एक आइसोलेशन वॉल होगा, तो वो एक पूरा जुगाड़ करके एक आपका पाइप के साथ कनेक्ट कर लेंगे। और फिर जितने पॉइंट को भी करना है, जिस पूरे लूप को करना है, अभी उसमें हमारे पास जब भी एयर फ्लशिंग करें तो हमारे पास ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो कि छूट जाए। सो कभी भी जब भी हम एयर फ्लशिंग कर रहे हैं, कोई फ्लशिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमें हमेशा वॉक थ्रू करना चाहिए प्लांट के अंदर। वॉक थ्रू करने से हमें पता चला कि हाँ कौन कौन से पॉइंट उसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रहे हैं, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, हमें पूरी लाइन ट्रेसिंग अच्छे से होनी चाहिए कि हम किस लूप को करने जा रहे हैं। तो लाइन ट्रेसिंग के बाद ही वापस से हम स्टार्ट करेंगे, साथ हमारे पास हमेशा एक पिनाडी होनी चाहिए कि रेफरेंस के लिए कि हाँ हमने ये पॉइंट उस पर मार्क कर दिया है कि हाँ ये पॉइंट खोल दिया या ये वॉल खोल दिया, ये वॉल क्लोज कर दिया। सो ईच एंड एवरीथिंग आपके पास बहुत ही क्लियरली होना चाहिए कि हाँ हम किस चीज़ को करने जा रहे हैं, किस चीज़ को नहीं करने जा रहे हैं। सो अभी हम जो है एयर फ्लशिंग करने जा रहे हैं, तो हमने एयर को यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। अभी सबसे पहले ये वाला वॉल हमने बंद है, ये वाला वॉल बंद है, हमें ये आगे की लाइन को हमें फ्लश करना है, ये आगे की लाइन को हम फ्लश कर रहे हैं। इसमें एनआरवी डायरेक्शन ओके है, वो चेक हो जाएगी, लेकिन एनआरवी का भी हमको देखना पड़ेगा कि वो कितने प्रेशर का है। अगर हम उसका प्रेशर हमें लगता है कि वो जो प्रेशर ज़्यादा है, तो जो कि हमारे एयर प्रेशर को कम करेगा, तो इसको हटा करके हम इसके अंदर एक स्पूल लगा देंगे, इसी एनआरवी के साइज़ का एक स्पूल लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद आगे जाएंगे तो हमारे क्या क्या लाइनें पहुँची है, हम कंट्रोल वॉल भी लाइन में नहीं लेंगे एयर फ्लशिंग के लिए, तो इसको भी हटा करके एक स्पूल लगा लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हीट एक्सचेंजर्स हमारे लाइंड अप हैं, क्योंकि आपने स्टैटिक इक्विपमेंट लग चुके हैं, इस पूरे पॉइंट को बाईपास कर देंगे, बाईपास कर लेंगे, तो ये वाला वॉल हमारा बंद होना चाहिए, ये वाला वॉल बंद होना चाहिए, ये वॉल खुला होगा, लाइन अप होगा। उसके बाद आगे जाएंगे तो ये चीज़ हमारा, ये वॉल खुला होना चाहिए,
पंप हमारा, अगर हमको पंप लाइन में नहीं लेना है तो यहाँ से हम इसको रोक देंगे, जहाँ से भी हमको रोकना है वहाँ से हमको एंड ब्लाइंड करना पड़ेगा, एक एंड ब्लाइंड दे देंगे और यहाँ से फ्लशिंग कर लेंगे। सो इस पूरे को हम हमेशा पंप का आपका डाउन स्ट्रीम जो होगा उसको हम जो है अलग से फ्लश कर लेंगे, और पंप के पहले का सक्शन तक का हम उसको एक साथ फ्लश कर लेंगे। सो ये चीज़ हमारा एक्चुअल में यहाँ से कनेक्ट होगा। अभी क्या होगा, अभी हमने सब चीज़ देख लिया क्या पास क्या क्या जिसके अंदर लगा हुआ है एग्जैक्ट एक चीज़, सब चीज़ कनेक्शन हो गया। हमने मान लीजिए एयर का इसमें से वॉल्व खुला, एयर फ्लशिंग कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले क्या क्या करते जाना है, सबसे पहले ये वाला वॉल्व खुलेगा क्योंकि यहाँ से लाइनअप कर दिया हमने, ये वाला वॉल्व खुलेगा, फिर ये वाला वॉल्व खुलेगा, तो धीरे धीरे करके ये वाला वॉल्व हमारा बंद है, ये लाइन आगे जाएगा, एयर प्रेशराइज होगा, यहाँ का ये बंद है, ये खुला है, पहले हम इसको फ्लश कर लेंगे। तो ये वाला वॉल्व बंद कर लेंगे और ये लाइन यहाँ से लेके, ये लाइन यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये इसका ड्रेन खोल देंगे, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन आपकी क्लियर हो गई। यहाँ से लगातार आपका जो है एयर आएगा, एयर के साथ मटेरियल आएगा, जो भी कुछ है उसको हम ब्लो कर लेंगे, बाहर आ गया आपका मटेरियल। उसके बाद फिर हम ये वाला वॉल्व क्लोज कर लेंगे, ये वाला वॉल्व क्लोज कर लेंगे और ये वाला ड्रेन हम वेंट खोल देंगे, इधर से आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन ये क्लियर हो गई। उसके बाद जब ये हो गया तो इसको बंद कर देंगे एंड ये वाला वॉल्व खोल देंगे। तो ये वाला वॉल्व खोलने से क्या होगा, ये वाला वॉल्व खोल देंगे तो यहाँ से लेकर का यहाँ तक का पूरा टिल द एंड यहाँ पे, और ये वाला आपका वेंट खोल देंगे, सो ये वाला वॉल्व बंद कर देंगे। तो यहाँ से लेकर के आपका ये पूरा लूप, यहाँ से लेकर के ये, यहाँ से पूरा आपका एयर निकलेगा और यहाँ तक का लूप आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको बंद करेंगे, इसको खोल लेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ पे हमने ब्लाइंड फैन लगाया है, एंड ब्लाइंड लगा रखा है, ये वॉल्व खोल देंगे और ये वाला ड्रेन खोल देंगे। तो इससे क्या होगा, जितना भी एयर होगा, जितना भी कचरा होगा, वो यहाँ से लेकर के यहाँ से बाहर आ जाएगा। जब ये सब कुछ हो गया तो ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, जितने भी वेंटिंग है आपकी, ये सारी वेंटिंग ड्रेन सब बंद कर देंगे और सारे वॉल्व खोल देंगे, और आखिरी में ये जो एंड ब्लाइंड हमने लगाया था ये एंड ब्लाइंड खोल देंगे। एंड ब्लाइंड खोलने से क्या होगा कि हमको एक पूरा स्ट्रेट लाइन, हमारी पूरी एक एक करके पूरी स्ट्रेट लाइन में यहाँ से लेकर के ऐसा जो भी पाथ फॉलो होगा इस पाथ के थ्रू, यहाँ एंड ब्लाइंड से जो भी कुछ होगा वो कचरा पूरा एयर ब्लो करके बाहर आ जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस जो हम एयर ब्लोइंग करते हैं, इसमें हमें हमेशा चेक करना चाहिए कोई पॉइंट उसमें बचना नहीं चाहिए जो कि एयर ब्लो नहीं हुआ है। एक्चुअली हम एयर ब्लोइंग ऐसे यहाँ पे करते हैं जहाँ पे कि हमको सबसे पहले या तो लाइन साइजिंग बहुत पतली हो, जैसे एक इंच, आधे इंच, डेढ़ इंच की ऐसी लाइनों के अंदर हम एयर ब्लोइंग करके उनका वापस से उनकी कमिश्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसी यहाँ पे करते हैं जहाँ पे कि हम जो उसके अंदर पानी उसके अंदर इंग्रेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, हमारे उसके अंदर कोई ऐसी सर्विस है जो कि पानी के साथ मिलकर के कुछ अलग रिएक्शन बनाएगा। सो एयर ब्लोइंग के अंदर ये सिंपल आएगा। उसके बाद आता है सर्विस ब्लोइंग, सेम प्रोसेस है सर्विस ब्लोइंग का भी, लेकिन बेसिकली हर जगह पे सर्विस ब्लोइंग नहीं होती है, सिर्फ ऐसी लाइनें जैसे कि हम कहते हैं नाइट्रोजन की लाइन, उनके अंदर नाइट्रोजन को अगर हम जो है हमको फ्लश करना है तो डायरेक्टली नाइट्रोजन से भी ब्लो कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्बो ब्लास्टिंग। कार्बो ब्लास्टिंग में क्या होता है, मैं किसी एक सिंपल कहता है, कार्बो ब्लास्टिंग एक्चुअली में सिर्फ उन्हीं पाइपलाइंस में होता है जिनकी लाइन साइज या जो लूप बहुत लंबा नहीं हो, मीन्स 100 मीटर का, 200 मीटर का, इतना ही हो, जहाँ तक स्ट्रेट पैसेजेस पर है तो ज़्यादा अच्छा है कि स्ट्रेट लाइन है तो उसका बाईपासेस जितने भी रहेंगे वो बाईपासेस में कर लेंगे, और स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो कार्बन ब्लास्टिंग कर लेते हैं। कार्बन ब्लास्टिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जैसे आपको किसी भी लाइन के अंदर कार्बन ब्लास्टिंग करनी है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक लूप है जिसके अंदर आपको कार्बन ब्लास्टिंग करनी है, देखो एक लाइन है, यहाँ पास कार्बन ब्लास्टिंग करनी है, तो इसमें एक्चुअली में क्या करते हैं, ये इसके अंदर कंट्रोल वॉल लगा था तो कंट्रोल वॉल को हमने अगेन एक स्पूल से रिप्लेस कर दिया ताकि हमें कोई भी हिंडेंस नहीं आना चाहिए। अभी यहाँ से आपका एयर कनेक्शन हो जाएगा, आपका ये जो लास्ट एंड रहेगा पाइप का, इसको मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये आपका ऐसा
लास्ट एंड फाइव आपकी ऐसी आएगी, और कुछ ऐसा दिखाई देगा, फाइव आपकी ऐसी दिखाई देगी। तो क्या करते हैं, इसी साइज का एक कार्डबोर्ड इसके सामने रख करके इसके ऊपर एक ओरिंग टाइप, वो ओरिंग कैसा होता है, वो फ्लैश टाइप ऐसा रहेगा, बीच में से खुला रहता है, और इसके अंदर इसको चार बोल्ट पे, एक दो तीन चार, चार बोल्ट पे इसके ऊपर कस देते हैं। मतलब अब ये कैसा दिखेगा आपको, सामने देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा। इसके अंदर कार्डबोर्ड लगा हुआ है, इसको चार पॉइंट से हमने बोर्ड से कस दिया है। अभी क्या करते हैं, यहाँ से एयर का सप्लाई ये स्टार्ट करते हैं, ये वॉल्व खोल देंगे, और क्या होता है, ये आगे अंदर का प्रेशर इसके अंदर इंक्रीज होता जाता है। जैसे प्रेशर आपका 0.5 या 1 केजी आता है, जितना कि कार्डबोर्ड विस्टैंड कर सकता है, उतना प्रेशर तक लगातार ये प्रेशर अंदर क्रिएट होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका प्रेशर इस कार्डबोर्ड का प्रेशर नहीं सह पाएगा, कार्डबोर्ड आपका अंदर का प्रेशर सह नहीं पाएगा, तो ये कार्डबोर्ड आपका ऐसे ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब फट जाएगा उस एरिया से, एक जगह से वो एकदम रप्चर कर जाएगा। तो जब सडन आपका ड्रॉप होता है उस समय प्रेशर का, तो क्या होता है कि अंदर का जितना भी डब्ल्यू, जितना भी मटेरियल, जितना भी डर्ट होता है, वो सब उस सडन प्रेशर के साथ आगे आ जाता है, बाहर निकल जाता है। सो दैट इज़ द प्रोसेस जिसके के अंदर हम जो कार्बन ब्लास्टिंग करते हैं। बेसिकली आपका 3 से 6 इंच की लाइनों के अंदर कार्बन ब्लास्टिंग करते हैं, उससे ज़्यादा की लाइनों के अंदर कार्बन ब्लास्टिंग नहीं प्रेफर करते हैं। दूसरा चीज़ मैंने पहले ही बताया था कि लाइन की साइजिंग बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, लेंथ एक्चुअली में लेंथ बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, एंड स्ट्रेट लाइनों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कार्बन ब्लास्टिंग। सो आज हमने एयर फ्लशिंग, सर्विस फ्लशिंग एंड कार्बन ब्लास्टिंग, इन तीनों पर डिस्कस किया है। आगे कुछ और फ्लशिंग की एक्टिविटीज़ है जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगेन आपके पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।